तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम एंड वेलकम बैक टू टेक शुभम। दोस्तों आपको तो पता ही है कि रेडमी की तरफ से आने वाली रेडमी 9 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और कुछ स्मार्टफोन इसमें बाकी रह गए हैं इंडिया में लॉन्च। और इसी तरह से सैमसंग गैलेक्सी की A21 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। इसके भी कुछ स्मार्टफोन के वेरियंट रह गए हैं जो इंडिया में लॉन्च होना है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A21s इंडिया में लॉन्च होना है, वो अपकमिंग फोन है। तो गाइस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A21s और रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 9 प्रो के कैमरा कंपैरिजन या पूरा फुल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन कंपैरिजन में, तो आपको रेडमी नोट 9 प्रो मिल जाती है। बैक में ग्लासी डिज़ाइन यानी कि गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A21s में, तो आपको इन रियर साइड में आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिलती है। और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं दोनों में, तो रेडमी नोट 9 प्रो में आपको मिल जाती है 6.67 इंच की पंच होल IPS LCD डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास, वो भी आपको V5 स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है। और सैमसंग गैलेक्सी A21s में बात करें तो आपको इसमें मिल जाती है 6.5 इंच की PLS TFT LCD मल्टी टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन पंच होल डिस्प्ले के साथ इसमें देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, तो आपको Redmi Note 9 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप के साथ 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का टैप सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश के साथ इसमें देखने को मिलती है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A21s में क्वाड कैमरा सेटअप के साथ 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा 2.0 अपचर के साथ, और दोस्तों 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा 2.2 अपचर के साथ देखने को मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा 2.4 अपचर के साथ इसमें मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपचर का डेप्थ सेंसर कैमरा इसमें आपको देखने को मिल जाता है, और दोनों में आपको LED फ्लैश देखने को मिलती है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनमें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो Redmi Note 9 Pro में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और सैमसंग गैलेक्सी A21s में आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको Redmi Note 9 Pro मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है, और सैमसंग गैलेक्सी A21s में आपको मिल जाता है सैमसंग Exynos 8 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में, तो आपको Redmi Note 9 Pro में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ 5020mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और सैमसंग गैलेक्सी A21s में आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी इसमें देखने को मिलती है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो Redmi Note 9 Pro में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और की लॉक के साथ देखने को मिलता है, और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A21s में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में यानी कि रियर पोजिशन में देखने को मिल जाता है। हाई सिक्योरिटी के साथ स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो स्टोरेज में आपको 4GB रैम और 64GB बेस मेमोरी के साथ Redmi Note 9 Pro में देखने को मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी A21s में 3GB रैम 32GB रैम रोम के बेस मेमोरी वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कंपैरिजन वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो करना है एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।